हाय फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये हमारा चिंटू है जो कि एक नेवला है और बहुत ही क्यूट बच्चा है। आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छा ट्रेंड दे रखा है। इसको मैं क्या खिलाता पिलाता हूँ वो सारा आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो आपको पूरा देखना है, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं अमित आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ कि नेवला कैसे पाले। अगर आपको नेवला पालने का शौक़ है तो आप उसको कैसे पाल सकते हैं वही आज आपको वीडियो में बताएंगे। अभी मैं आपको मेरा नेवला दिखाऊंगा जिसका नाम चिंटू है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये देखिए हमारा चिंटू आ रहा है अभी। देखिए ये देखिए चिंटू आ गया, कितना शाइनिंग है। आप देख सकते हैं इसके फर में कितना अच्छा ग्लेज है। देखिए ऊपर चढ़ गया मेरे पाँव पे, बहुत ही अच्छा बच्चा है ये। और मैं जब चिंटू को लाया था तब उसका एज था 7 मंथ, ठीक है। तो मैंने जिसके घर से लाया था वो इनको बंद करके रखता था चिंटू को, तो चिंटू के पूंछ में थोड़ा प्रॉब्लम सा हो गया था, उसके बाल झड़ गए थे। तो अभी पूरा ठीक हो चुका है आप देख सकते हैं, और बहुत ही फ्रेंडली हो चुका है चिंटू। इसको हम छोड़ते हैं, छोड़ के फिर 2-1 घंटे घुमा फिरा के फिर इसको बंद कर देते हैं। इसका एक केज है उसके अंदर इसको रखते हैं। चिंटू बहुत ही अच्छा बच्चा है आप देख सकते हैं। और ये जो पीछे देख रहे हैं आप बतख, ये मेरे ही बतख हैं। ये सोचते हैं कि चिंटू मुझे काटेगा शायद, तो ये चिंटू के पीछे भागते रहते हैं। और जब तक चिंटू मेरे पास रहता है ये बतख मुझे छोड़ के नहीं जाते। देखिए चिंटू, चिंटू को बड़ा मज़ा आता है जब उसको छोड़ देता हूँ। ये बड़े आराम से घूमता है। देखिए मैंने इसको अच्छा ट्रेंड दिया है, और इसको मैं खाने में अंडे देता हूँ। देखिए ये अंडे बड़े शौक़ से खाता है आप देख सकते हैं। अगर आप नेवला पालते हैं तो आपको ज़रूर उसको अंडा देना है, क्योंकि अंडा में बहुत सा प्रोटीन है। और ये जो नेवले होते हैं ये सारे कीड़े मकोड़े मछली ये सब खाते हैं, तो इन लोगों को अंडा वंडा ज़रूर देना चाहिए। देखिए वैसे तो ये दही चावल बहुत अच्छा खाता है, और दूध चावल खाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा बच्चा है आप देख सकते हैं। देखिए कैसे कंधे पे चढ़ गया और ऐसे ही बैठ के रहता है, ये अच्छा खेलता है मेरे साथ। इसको जब छोड़ते हैं ये बहुत आनंद से घूमता है इधर उधर, देख सकते हैं आप। देखिए कैसे पीठ पे बैठ के खा रहा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है हमारा चिंटू। और देखिए हमारे बतख, देखिए पूरा स्टैचू चुप करके बैठे हैं, क्या बात है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे बतख हैं ये, और ये मुझे देख रहे हैं कि चिंटू कर क्या रहा है मेरे साथ। देखिए कैसे मेरे ऊपर चढ़ के बैठा है चिंटू, अभी खा रहा है। और ये खेल कूद करने में बहुत उस्ताद है आप देख सकते हैं। तो मेन जो टॉपिक है वो आपको बताते हैं। अगर आप गिलहरी का बच्चा या नेवले का बच्चा, चूहे का बच्चा, कुछ भी आपको मिलता है छोटा सा, तो उसको कैसे पालना है, आपको क्या खिलाना पिलाना है, वो सारा मैंने वीडियो में बना रखा है। वो मेरे अगले वीडियो में है। वीडियो का लिंक मैंने ऊपर दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे प्रेस करके मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं, कैसे अगर आपको छोटा बच्चा मिल जाता है तो उसको कैसे बड़ा करना है, ठीक है। ये देखिए ये मेरे साथ साथ ही चलता है। देखिए मैं जिधर जाता हूँ मेरे पीछे पीछे चला आता है। देखिए कैसे भाग रहा है, देखिए। और मेरे पास बहुत सारे पेट्स भी हैं। ये देखिए आप मेरा सिम्बा, इसको देख लिए, सिम्बा से बहुत डरता है। देखिए कैसे पूंछ उठा के भाग गया। देखिए आप पीछे पीछे जाता रहेगा, और इसको खुले में छोड़ दिया ना, इसको बहुत मज़ा आता है उछल कूद करने में। देखिए कैसे उछल कूद कर रहा है। अभी उसको प्यास लगी है, तो ये मेरा बतख का पूल है, इसमें बतख नहाते हैं, तो ये यहाँ पे आ गया पानी पीने। देखिए कितना अच्छा लगता है। ये एक जंगली जानवर है, तो इसको आप अगर केज में हर टाइम बंद करके रखते हैं या चेन से बांध के रखते हैं तो बहुत गलत बात है। इसको कभी कभी छोड़ना चाहिए। मैं तो इसको छोड़ता हूँ, वैसे केज में रखना नहीं चाहिए, पर मैंने इसको लाया था, ठीक है, और बहुत ख़राब सा लगता है इसको छोड़ देने से, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। इसको मैंने 2 दिन छोड़ दिया था, तो ये मुर्गी के बच्चे पकड़ने के लिए भागता है, इसलिए मैं इसको जब भी छोड़ता हूँ इसको नज़र के सामने रखता हूँ, 2-1 घंटे घुमा फिरा के उछल कूद कर लेता है ये, फिर इसको उसके केज के अंदर रख देता हूँ। तो आप इसको ट्रेंड कैसे करें, देखिए आप अगर छोटा बच्चा आपको मिलता है तो उसको कैसे बड़ा करना है वो तो मैंने वीडियो में बता रखा है, वो आप वीडियो देख के सीख लेंगे, ठीक है। और जब भी आप अपने पेट्स को, मतलब ये नेवला हो, गिलहरी हो, कुछ भी हो, उसको जब भी आप अपने पास बुलाएं, उसका एक नाम रख लीजिए अच्छा सा, ठीक है, उसका एक नाम रख लीजिए, और उसको जब भी आप बुलाएं तभी उसको आप कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दें जो उसका फेवरेट है। इसका फेवरेट एग है,
तो मैं इसको एग देता हूँ, और इसको मालूम है कि एग मिलेगा, अभी बुला रहे हैं मुझे, अभी मैं जाऊँगा तो एग मिलेगा, तो बुलाने के साथ साथ चला आता है। देखिए इसको मैंने बहुत अच्छा ट्रेंड दे रखा है, और कितना फ्रेंडली है आप देख सकते हैं। लोग देख के इसको डर जाते, ये देखने में इतना डरावना है, पर मुझे तो ये बहुत क्यूट सा लगता है। लोग बोलते हैं कि ये बहुत डरावना है, भैया पकड़ लो अपना नेवला, ये काट लेगा हमें, पर आप देखो कितना अच्छा बच्चा है। और चिंटू एकदम छोटे साइज़ का नेवला है। नेवले वैसे तो तीन चार क्वालिटी के होते हैं, एक हाइब्रिड टाइप का होता है, ये एकदम छोटे साइज़ का है, ठीक है। इसका एज एक साल तो हो चुका है, और आप देख सकते हैं इसका साइज अभी क्या हो चुका है, जैसे लग रहा है कि बच्चा बच्चा सा है, पर ऐसा है नहीं, ये बहुत ही बड़ा है। वीडियो में वैसा लग रहा है छोटा सा, आप देख सकते हैं मेरे बॉडी के हिसाब से इसका बॉडी टेक्चर। देखिए हाथ पे खा रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा। तो आप जब भी अपने नेवले को या गिलहरी जो भी आप पाल रहे हैं उसको अगर आप बुलाते हैं तो उसको आप ज़रूर कुछ खाने को दीजिए। जब भी बुलाएंगे तभी उसको कुछ खाने को देंगे, तो उसको मालूम रहेगा कि मुझे बुला रहे हैं तो अभी मुझे खाना मिलेगा, तो वो अच्छे से ट्रेंड हो जाएगा, और अच्छे से वो मतलब आपकी बात मानेगा, आप जब भी बुलाओगे तभी आ जाएगा। इसको मैं पहले तो छोड़ के रखता था, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जैसे कि मुर्गी के बच्चे कबूतर के बच्चे पकड़ के ले आता था, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता था, स्नैक्स पकड़ लेता था। तो इसको मैं अब जब छोड़ता हूँ, दो एक घंटे छोड़ता हूँ घुमा फिरा के, इसको फिर मैं उसके केज के अंदर रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही फुर्तीला है, देखिए यहाँ पे बैठ बैठ के अंडा खा रहा है, अभी दौड़ना शुरू कर देगा। देखिए बड़े चाव से खा रहा है, अंडे खाने में इसको बहुत शांति है। ये मेरे बतख हैं प्यारे से, और इनके लिए मैंने एक पुल बना रखा है जहाँ पे ये लोग नहाते हैं। देखिए देखिए अभी चला जाएगा वो, देखिए उठ गया मेरे ऊपर, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं इन्हें छोड़ के दूर पे काम पे जाता हूँ, दूर काम पे जाता हूँ, तो इनकी बहुत याद हमें सताती है, और मुझे बहुत दुख होता है तब, मैं इनको बहुत मिस करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा बच्चा है। मेरे पास बहुत सारे पेट्स हैं, तो उनकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। मेरे पास 5 डॉग्स हैं, रैबिट है, गिनी पिग्स हैं, रैट्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, बहुत सारे पेट्स मेरे पास हैं, और मैं इन सबको बहुत प्यार करता हूँ। देख सकते हैं आप कितना नादान सा बच्चा है, इनके बिना मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता। और अगर आपको कभी कोई सा भी जीव का बच्चा मिलता है, कोई भी पेट मिलता है, तो उसको कैसे पालेंगे आप, उसी बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियो पाने के लिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बच्चा है, कैसे मेरे गोदी में बैठा है, देखिए कैसे बैठ के खा रहा है, बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग मेरे साथ रहते हैं। देखिए कैसे खा रहा है, एकदम नादान सा। देखिए मैं पकड़ता हूँ इसको, अभी भाग जाएगा। देखिए अब कितना अच्छा बच्चा है। अगर आपको भी नेवला पालने का शौक़ है तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। आपके लाइक शेयर कमेंट करने से मुझे बहुत सा मोटिवेट मिलता है। देख सकते हैं आप, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसे ईजीली पाल सकते हैं नेवला। उसको कभी कभी छोड़ दीजिए, चेन से मत उसको बांध के रखिए, क्योंकि ये जंगली जानवर हैं, तो इनको चेन से बांध के रखना और केज में रखना गलत बात है। मैं भी गलत कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, अभी इससे बहुत प्यार करता हूँ। और ये किसी के घर पे चला जाता है तो कोई अगर डर के इसको मार दे, उसके डर से मैं इसको बंद करके केज में रखता हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए, पर क्या करें, जब भी मैं रहता हूँ। देखिए कितना फुर्तीला है, और ये घूमना बहुत पसंद करता है, तो मैंने इसके लिए ये केज बनाया है। चिंटू को कर दिया बंद, आप देख सकते हैं चिंटू हो गया बंद। देखिए इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, आपने देखा कि मेरा चिंटू कितना फ्रेंडली है। आप कोई सा भी एनिमल को फ्रेंडली कैसे बनाए, इस बारे में वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।